दोस्तों अगर आप भी डेविड वॉर्नर को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दुबई में चल रहे T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल के खत्म होने के बाद अब ये तय हो चुका है कि फाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक खतरनाक मुकाबला होगा, जिसमें दोनों ही टीमें पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतने की अपनी दावेदारी पेश करेंगी। दोस्तों इस साल T20 वर्ल्ड कप का एक नया चैंपियन पूरी दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि दोनों ही टीमें अब तक एक बार भी T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब नहीं रही हैं। और दोस्तों दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल में खतरनाक प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है, जिसके बाद दोनों ही टीमों की निगाहें इस T20 वर्ल्ड कप को जीतने में लगी हुई हैं। वहीं सेमीफाइनल में पाकिस्तान से जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के शानदार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान की पूरी टीम हैरान हो गई है। दोस्तों वॉर्नर ने ऐसा क्या कह दिया ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन है इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का दावेदार? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों ने इस T20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया, जहां पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की एकमात्र ऐसी टीम थी जो सेमीफाइनल तक एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को एक रोमांचक मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, लेकिन अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड से बुरी तरह पिटकर कंगारू टीम को क्वालिफिकेशन के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराने के बाद ही ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। दोस्तों पाकिस्तानी टीम की सबसे खास बात यह रही कि वो हर मैच में एक नया खिलाड़ी उनकी तरफ से मैच विनर बनकर निकलता है। जहां भारत के खिलाफ शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, और वहीं न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ आसिफ अली एक बड़े मैच विनर बनकर उभरे थे। वहीं दोस्तों स्कॉटलैंड के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में शोएब मलिक ने भी फॉर्म में वापसी करके सेमीफाइनल से पहले कप्तान बाबर आजम को बड़ी राहत दे दी थी, लेकिन उनकी तैयारी ये सब धरी की धरी रह गई, क्योंकि जब तक इस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी की 3 गेंदों पर लगातार छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाकर और दोस्तों पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक टीम के तौर पर काफी बेहतर प्रदर्शन किया। स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड की पेस की तिकड़ी ने एक इंग्लैंड के मैच को छोड़ दिया जाए तो हर मैच में विकेट निकाले ही निकाले। वहीं लेग स्पिनर एडम जंपा ने अपनी लेग स्पिन से सभी को प्रभावित किया है, और सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड ने भी अपना जलवा दिखाते हुए टीम को जीत दिलाई है। वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए आखिरी ग्रुप मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर डेविड वॉर्नर भी शानदार अर्धशतक ठोककर फॉर्म में वापसी कर चुके थे। वॉर्नर ने भारत की तारीफदारी करते हुए एक अहम मुकाबले से पहले एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान की टीम और उनके कप्तान बाबर आजम की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल दोस्तों वॉर्नर ने मैच से पहले कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल की चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड भी एक बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान पर उतरेगा, लेकिन हमारे पास उनके सभी प्लान्स को फेल करने के लिए एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। बेशक उनकी टीम ने अपने सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी टीम और लीग मैच में भारत जैसी टीम को हराकर बाहर किया हो, लेकिन हम भी जीत के लिए आगे हैं और इस मैच में कई भारतीय फैंस भी यही चाहेंगे कि हम न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हों। ऐसे में हमें लगता है कि हमारी जीत से भारत भी खुश होगा। दोस्तों वॉर्नर ने कहा कि वो जानते हैं कि न्यूजीलैंड ने अब तक सारे मैचेस शानदार तरीके से खेले हैं और उनकी टीम अलग प्लान के साथ हमला करेगी, और कंडीशन बेशक उनके फेवर में क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी आईपीएल और अब वर्ल्ड कप में खेलकर यहां की परिस्थितियों से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं और सभी एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हैं और ग्राउंड पर अपना 200% देने को तैयार हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाले मुकाबले में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम जीतेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।